हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग भाई आशीष में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर आपको 2021 में हुए जितने सारे भी एसएससी जीडी के पेपर हैं उन सभी का मैं यहाँ पर सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और अभी हम लोगों ने टोटल 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा ये कौन सा सेट है? ये सेट है 5वां। ठीक है, अभी तक क्या था कि अपने जो पेपर होते थे एसएससी जीडी के उसमें 25 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 हिंदी या इंग्लिश। लेकिन इस बार का पैटर्न में क्या हुआ है कि अब आपके एग्जाम में केवल 20-20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर सेट करने वाले हैं सेट 5, इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन ही हैं। अब देखो, जो एग्जामिनर है वो यहाँ से 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन छांट के आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहते हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोग पूरे सेट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो आपके ये मान के चलो एक भी नंबर का छूटने वाला नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पर मैं आपको सेट दिखा देता हूँ। ये वाले सेट की यदि मैं बात करूँ तो ये 29/11/2021 में पूछा गया था और इसकी टाइमिंग क्या थी? 4 से 5:30 कॉन्स्टेबल जीडी के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी 7 बजे से क्लास होती है, 7 से जो क्लास चलती है वो चलती है रीजनिंग की, और 8 बजे से आपकी क्लास किसकी चलेगी? वो चलेगी मैथ की। ठीक है, ये रही आपकी मैथ की क्लास। यहाँ से मैं आपको मैथ स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आगे यहाँ से मैथ के भी क्वेश्चन हैं। तो ये वाली जो क्लास है ये चलेगी 8 बजे से। अभी आपकी जो क्लास चल रही है रीजनिंग की कितने बजे से है? 7 बजे से। ठीक है, तो ठीक है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। क्लियर है ना? तो ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज़ को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज़ को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का एक कागज़ था, क्या किया गया? पहले इसको यहाँ से इधर की साइड में मोड़ लिया गया। इसके बाद जैसे मुड़ गया तो उसको फिर हमने नीचे की ओर मोड़ लिया। नीचे की ओर मोड़ने के बाद हमने एक कट ऐसे लगा दिया, एक कट ऐसे लगा दिया। तो वो इधर वाला कट ऐसे गोलाकार है, इधर वाला ऐसे कट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 कट लगा लिए। अब हम लोग इसको खोलेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा? आप लोग इसको जैसे ही खोलेंगे तो एक कट ऊपर बन जाएगा, इधर भी कट बनेगा, इधर भी कट बनेगा, इधर भी कट बनेगा, सेम कट इधर ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखो, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए मैं 1-2 क्लास में इसको मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है ना, चलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी कूट भाषा में CON, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, CONVERT, इसको लिखा जाता है 3, 4, 14, 22 के बाद यहाँ 18, 20, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर आगे लिखा गया फॉर्चून को इसी प्रकार से कोड कर लिया गया है। तो पूछ रहा है इसको हम लोग क्या कोड करेंगे? तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो सी का कोड कितना होता है? 3 होता है, तो इन्होंने सी का कोड 3 लिख दिया है। एन का कोड 14 होता है, तो इनका कोड 14 लिख दिया गया है। वी का कोड होता है 22, तो यहाँ 22 लिख दिया गया है। ठीक है, और यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या? वी का कोड 22 होता है, अच्छा 1-2 मैंने छोड़ दिया है ना, यहाँ पर 1-2 और लिखा हुआ है। ठीक है, R का कोड 18 होता है तो यहाँ 18 लिखा हुआ है, T का कोड 20 होता है, यहाँ 20 लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखो, O का कोड यहाँ पर 4 इन्होंने लिखा है, E का कोड यहाँ पर 2 लिखा है। पता है क्यों? क्योंकि वॉवल्स का मैं क्रम देखूँ तो A, E, I, O, U, O आता है 4th नंबर पर, E आता है 2nd नंबर पर, इस वजह से हमने यहाँ पर वॉवल्स का कोड लेके यहाँ पर इन्होंने कोड किया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? A, C, Q, U, I, R। तो देखो ए का कोड कितना होता है? 1 होता है, वावेल्स के अनुसार देखेंगे तो भी। सी का कोड होता है 3, क्यू का कोड होता है 17, यू का कोड कितना होता है? वैसे तो यू का कोड होता है 21, लेकिन इसके अनुसार हमें देखना है इसके अनुसार कितना है? 5। आई का कोड कितना है? आई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। और आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 18। ठीक है, आर हो जाएगा 18। इसके बाद लास्ट में ई भी लिखा है, तो ई का कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ई का कोड हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमें ये वाला कोड कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट पे, क्लियर है ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक डाइस का क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे की तीन विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई। हाँ, इस पर आप लोग क्वेश्चन मत नोट मत कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखेंगे तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें दिया गया है कि जो संख्या एक है उसके विपरीत क्या आएगा। तो देखो, किन्हीं भी दो पासे को आप लोग यहाँ पर चूज कर लो, पहली कंडीशन। तो देखो, इसमें वन दिया गया है, इस पे वन दिया गया है, ठीक है, और इस पे दो दिया है, दो गया है। यहाँ पर आपको चूज करना है जहाँ पर सिंगल कॉमन मिले। क्या मिले? सिंगल कॉमन। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल गया? डबल कॉमन। तो हम ये दो पासे नहीं चूज करेंगे, एक काम करते हैं, ये पासे चूज कर लेते हैं। इसमें हमें पाँच कॉमन मिल रहा है, इस पर भी पाँच कॉमन मिल रहा है। जैसे ही पाँच कॉमन मिला है, आपको क्या करना है? क्लॉक वाइज इधर की ओर, क्लॉक वाइज इधर की ओर घूम जाना है। इसकी बात करें तो यहाँ आएगा पाँच, पाँच के बाद क्लॉक वाइज घूमेंगे दो आएगा, फिर एक आएगा। देखो, पाँच के बाद दो मिला, दो के बाद एक मिला। यहाँ पर पाँच के बाद चार मिलेगा, चार के बाद तीन मिलेगा, तो यहाँ पाँच लिखेंगे, आगे चार लिखेंगे, यहाँ तीन लिखेंगे। तो यहाँ पर एक के विपरीत हमें देखने को क्या मिल रहा है? तीन। इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तीन। दो का विपरीत पूछता तो यहाँ पर चार हो जाता, और पाँच का विपरीत पूछता तो यहाँ पर छः हो जाता। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर देना। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक निश्चित कूट भाषा में ANGUISH क्या है? देखो, ANGUISH इसको कोड किया जाता है BOIWLVL, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे कोड किया गया? देखो, ए का कोड होता है एक, इस बी का कोड होता है दो, इनका कोड होता है 14, ओ का कोड होता है 15, जी 7 होता है, जी के बाद यू है, यू का कोड 21 होता है, आई का कोड 9 होता है, एस 19 होता है, आर 18 होता है। क्लियर है? यहाँ पर आई का कोड 9 होता है, डब्ल्यू 23, एल 12 होता है, वी 22 होता है, और एल कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1 से हम लोग यहाँ आए हैं, प्लस 1 कितना मिला? 2। यहाँ भी क्या हुआ? प्लस 1। आगे यहाँ पर देखेंगे तो 7, 2, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 हो रहे हैं। आगे देखो तो प्लस 3 हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है? प्लस 4, मतलब 2 में प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 4। मतलब यदि ये डायरेक्टर इस प्रकार से लिखा है, DIC, क्या लिखा है? डिटेक्टर लिखा ना, DIC TATOR, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों में प्लस 1 होगा, इन दोनों में कितना होगा? प्लस 2 होगा, इन दोनों में कितना होगा? प्लस 3 होगा, इन दोनों में कितना होगा? प्लस 4 होगा, होगा ना। तो देखो, डी के बाद यदि हम प्लस 1 जाएँ तो हमें ई मिलेगा, आई के बाद जे मिलेगा, सी में प्लस 2 करेंगे 3, 2, 5 ई मिल जाएगा, फिर यहाँ पर टी है, टी के बाद प्लस 2 करेंगे 22 होता है, 22 का मतलब वी मिल जाएगा, ए में यदि 3 जाएँ तो हमें डी मिलेगा, इसके बाद फिर टी है, टी में 3 जाएंगे तो 20, 23 यहाँ पर डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओ में हमें कितना जाना है? प्लस 4, तो 15, 4, 19 क्या मिलेगा? एस मिलेगा। और इस पर केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? अच्छा, अभी एक, ये दो मिले ना कॉमन, चलो लास्ट का देख लेते हैं। आर 18 होता है, 18 प्लस 4 जाएंगे वी, 18, 4, 22 ना, 22 क्या होता है? वी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह संगत है, 1 असंगत है। असंगत अक्षर का चयन कीजिए, ठीक है। असंगत का हमें क्या करना है? चयन करना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ। असंगत का इसमें क्या करना है? आपको चयन करना है। तो देखो, यहाँ पर क्यू का कोड कितना होता है? 17 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। यहाँ पर देखो, क्यू का कोड हो गया 17, ओ का कोड हो गया 15, आर का कोड होता है 18, और एम का कोड होता है 13, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया? 17 के बाद -2 आए हैं हम, यहाँ पर हम लोग कितना गए हैं? -5, ठीक है। इसकी बात क्या, तो डी का कोड होता है 6, 6 से 2 गए हैं, -4 यहाँ पर मिला गए, मतलब कितना मिल गया? 4। तो 6 -2 कितना आएगा? 4, यहाँ -2 किया है। यहाँ पर 7 से हम लोग 5 घटा देंगे तो बी मिल जाएगा। यहाँ पर तो क्या किया हमने यहाँ पर, सॉरी, 7 से हम 5 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 2। यहाँ पर हमने -5 किया है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 कर रहे हैं, आगे वाले में -5 कर रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर क्या हुआ है? पहले वाले में तो 24, एक्स का 24 होता है, वी का 22 होता है, वाई का 25 होता है, एस का 19 होता है। क्लियर है ना इतनी बात? देखो, यहाँ पर तो हमने -2 कर दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर कितना कर रहे हैं? -4। इस वजह से
19,430 सॉरी माइनस का 6 कर रहे हैं, ठीक है, कितना कर रहे हैं माइनस का 6, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दर्पण का है और हमने दर्पण में आपको कई बार बताया है कि क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इसके बाद अपना पेज पलट दीजिएगा, जो भी आपको चित्र दिखाई दे या जैसा भी आपको दिखाई दे आप अपने अपने ऑप्शन से मैच करवा लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो घर में शीशा होता है ना आपको उसी में देखना है, तो एस ऐसे बना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ई ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एन ऐसे करके बन जाएगा, तो स्टार्ट एस से होना है, एस के बाद ई के बाद ऐसे, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एकदम सेम मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन एकदम सेम मिल रहा है। यहाँ पर क्या ई है ना, तो लास्ट में ई ऐसे बनेगा, तो इस वजह से अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कथन निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष का क्या हो जाएगा, इसमें है कि सभी लड़कियाँ बोतलें हैं और सभी बोतलें पर्दे हैं, ठीक है। निष्कर्ष में देखो यहाँ पर सभी पर्दे, यहाँ पर्दे की वैल्यू देखा जाए तो कितनी है, यहाँ पर पर्दे की वैल्यू है 100, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, सभी लगा हुआ है। बोतलें पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कितना होता है 50, यहाँ 50 लिख दो। यहाँ पर कुछ है कुछ बोतलें, तो कुछ का मतलब होता है 50 और लड़कियाँ, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लड़कियाँ हैं 50, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है 50। यहाँ पर सभी के लिए देखेंगे तो ये 100 है, बोतलें के लिए देख लो तो ये कितना है 50 है, और यहाँ पर ये 100 है, और पर्दे यहाँ पर कितना है, पर्दे यहाँ पर हो जाएगा 50। अब क्या करना है, देखो पर्दे और बोतले में हमारे पास रिलेशन है, किसमें, पर्दे और बोतले में, तो यहाँ पर सभी पर्दे बोतले हैं, ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया, सभी बोतले पर्दे, मतलब इस पर्दे इस 50 की वैल्यू यहाँ कितना किया गया, 100 किया गया, इस वजह से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या, कुछ बोतले लड़कियाँ हैं, बोतले और लड़कियों के बीच में रिलेशन है, तो कुछ यहाँ कुछ की वैल्यू कितनी, 50, तो 50 की वैल्यू 50 है और 100 की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 50 है, इस वजह से सेकेंड वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, इस पे है 422-47, मैं इसको अलग लिख लेता हूँ ना, तो करने में आसानी रहेगी क्योंकि उधर थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा हम लोग को। 4, 22, 47, 83, 132, 198 और 283। तो सबसे पहले हमें, हाँ, आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पे स्टेप फॉर्म लगा लेना है, तो अंतर देख लो कितने का आ रहे हैं, अंतर सर आ रहा है 18 का, इससे इसका अंतर देख लेंगे, मतलब 22 और 47 का अंतर, तो यहाँ पर सर अंतर आ जाएगा 25 का, इस पे देखेंगे अंतर आ रहा है 36 का, इस वाले पे देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 12, 9, और ये कितना हो जाएगा 12 से 8, 49 का, ठीक है। इसके बाद आगे वाले में अंतर कितने का आ रहा है, 8 से 2 जाएगा, यहाँ आएगा 6, और 13, 6 यहाँ कितना आएगा 66, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 13 से 8 घटाओ कितना आएगा 5, 17, 9 जाएगा, यहाँ पर आएगा 8, मतलब 185। क्लियर है ना, अंतर एक बार चेक कर लेना, कहीं गलत ना हो। चलो इसके बाद अभी हमें यहाँ पर कोई सीक्वेंस तो मिला नहीं, क्या करना है हमें, अगेन यहाँ पर स्टेप फॉर्म और एक बार लगा देना है, तो 18 से 25 का गैप कितना होता है 18, यहाँ पर गैप आएगा 7 का, फिर आगे देखेंगे तो गैप कितने का आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 का गैप, इसका यदि हम गैप देखें तो यहाँ आएगा 13 का गैप, आगे का यदि मैं गैप देखूँ तो 16 से 9 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर 17 गैप आएगा, इसका यदि मैं गैप देखूँ तो कितने का आएगा 15, 6 जाएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर 19 का, ठीक है, केवल यहाँ पर 85 तो बचा था, ठीक है, कितना बचा था 85, कितने का गैप आएगा 19। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 के बाद हम यहाँ पर जा रहे हैं प्लस 4, 11 होता है ना, प्लस 4 जा रहे हैं, फिर प्लस 2, यहाँ पर प्लस 4, फिर यहाँ पर प्लस 2, इसका आगे कितना जाएंगे प्लस 4, 19, 4 कितना हो जाएगा 23, तो इसके और आगे कितना आएगा 5, 3, 8, 8, 2, 10 कितना आएगा 108, तो 283 हम लोग क्या करेंगे 108 ऐड कर देंगे, तो 283 में जैसे हम लोग 108 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, 3, 11, 8, 8
कितना आएगा, सॉरी 283 में 108 ना, तो 819 और 213 कितना आ गया, 391, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक फिल्म निर्माता टीम के 5 सदस्य, निर्देशक, निर्माता, स्क्रिप्ट लेखक, कोरियोग्राफर और सेट डिजाइनर एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े, किधर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। इसके बाद आगे लिया है निर्देशक निर्माता के बगल में बैठे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हमें ठोस जानकारी मिले हम वहीं पर इस पर आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले 5 लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, 5 ही लोग हैं, ठीक हो गया 5 लोग। अब देखो यहाँ पर क्या है, निर्देशक निर्माता के बगल में बैठा है, ये बात ठीक है। आगे क्या, स्क्रिप्ट लेखक कोरियोग्राफर के बगल में बैठा है, ये भी बात सही। अभी हमें देखो ठोस जानकारी नहीं मिली तो अभी हम केवल क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आगे क्या है, कोरियोग्राफर सेट डिजाइनर के साथ नहीं बैठा है, जो कोरियोग्राफर है किसके साथ नहीं बैठा है, सेट डिजाइनर के साथ नहीं बैठा है, जो पंक्ति के बाएं सिरे पर है, इधर पंक्ति के बाएं सिरे पर जो लगा है किसके लिए प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के लिए। तो सेट डिजाइनर कहाँ पर है, बाएं छोर पर, इसका मतलब यहाँ पर कौन है, सेट डिजाइनर, ठीक है। यहाँ पर देखो हो गया क्या, सेट डिजाइनर, ठीक है। राइटिंग थोड़ा इधर उधर है, मैनेज कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, स्क्रिप्ट लेखक दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये पहला स्थान होगा, ये दूसरा स्थान होगा, यहाँ पर कौन होगा, स्क्रिप्ट लेखक। स्क्रिप्ट को एस से कर दें, एस से स्क्रिप्ट, एल से लेखक, ठीक है, एस एल लिख देना इसको। आगे क्या है, स्क्रिप्ट लेखक दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। आगे निर्देशक निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर है, देखो सेट डिजाइनर के दाईं ओर होना चाहिए और निर्माता के भी दाईं ओर होना चाहिए। तो देखो क्या हम निर्माता को यहाँ रख सकते हैं, क्या यहाँ तो रखेंगे नहीं, तो निर्माता कहाँ पर आएगा, तो निर्माता आएगा यहाँ पर। निर्माता और सेट डिजाइनर के दाईं ओर, तो निर्देशक कहाँ आएगा, निर्देशक आएगा यहाँ पर। जो लास्ट में बचा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं, निर्देशक इनमें से किस स्थान पर बैठे हैं, तो कहाँ बैठा है, निर्माता और स्क्रिप्ट लेखक के बीच में, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है सेकंड, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 51 लिखा है, इधर 25 है, इधर 12 है, इधर 31 है और इधर 17 है। तो हाँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ ना, थोड़ा सा जूम करते हैं तो शायद दिखे आपको, दिख रहा होगा अब, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पर आपको 51 लाना है कैसे भी करके। यदि देखो 31, 25 और 12 को यदि मैं जोड़ लूँ कितना आएगा, 5 2 7 1 8, 3 2 5 1 6 68 आएगा। यदि मैं 17 को घटा दूँ तो कितना आएगा, सर यहाँ पर हमें 51 मिल जाएगा। क्लियर है, सेम काम इसमें भी कर लो, 19 37 और 23 को जोड़ो तो 7 3 10 10 9 19 9 हासिल 1 3 2 5 1 6 कितना, 79 आ गया। इससे 21 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 58 मिल जाएगा। सेम काम अगर ये दो में हो रहा हो तो हो रहा है तो इसमें तो हो गए, वैसे इस पे कर लो 15 39 और 22 को ऐड कर लो तो 9 2 11 11 5 16 16 की 6 बचा कितना, 1 2 3 3 6 1 7 76 76 से यहाँ पर 27 घटा लो कितना आएगा, यहाँ पर 49 आपको मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 49, ठीक है, क्या हो जाएगा, 49। तो हम लोग इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हो रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले अक्षर समूह से है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो F G Y J K, तो F किधर आ गया, लास्ट में, G आ गया यहाँ पे, Y है यहाँ पे, J है यहाँ पे, K है यहाँ पे। इसका मतलब ये G से स्टार्ट होना है, ठीक है। G के बाद क्या आएगा, B आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है G के बाद B, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, और कोई भी हमारा G से स्टार्ट, देखो ये दोनों G से स्टार्ट हो नहीं रहे, इस पर G के बाद क्या है, C है, तो ये होगा नहीं, क्लियर है ना। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम का यूरो से वही संबंध है, ठीक है। तो बेल्जियम की जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है। तो सेम आपको बताना है स्लोवाकिया का
किससे संबंध होगा, मतलब स्लोवाकिया करेंसी क्या है, तो स्लोवाकिया की करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहले से। ये है किस चैप्टर से, सादृश्यता चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका क्रम क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है अभाज्य, क्या देखना होता है अभाज्य, क्या ये अभाज्य संख्याएँ हैं। अगर अभाज्य नहीं है तो सेकेंड में हमें क्या देखना होता है, क्यूब देखना होता है। क्यूब नहीं है तो फिर हमें स्क्वायर देखना होता है। अगर स्क्वायर भी नहीं है तो हम गुणा भाग करके किसी ना किसी तरीके से ले आए, या फिर जोड़ घटा के कोई संख्या से ले आए, ठीक है, या फिर लास्ट में क्या लगा दो, इलॉजिकल सीरीज लगा दो, अगर ये कुछ ना लगे तो। क्लियर है। इस पे देखो, ना ये क्यूब है ना ये अच्छा ये क्यूब है किसका, दो का, लेकिन आगे वाले में क्या है, ये तीन का स्क्वायर है। अगर इधर क्यूब है तो भाई साहब इधर भी क्यूब होना चाहिए, पहली कंडीशन, जो कि नहीं है। हमें अगला देखना है स्क्वायर है क्या, नहीं, इधर क्यूब है इधर स्क्वायर, तो स्क्वायर से बनेगा नहीं, देखो अभाज्य भी खत्म हो गया, क्यूब भी खत्म हो गया, स्क्वायर भी खत्म हो गया। अगला क्या है, गुणा भाग। यदि मैं 8 का गुणा 9 में करूं कितना होगा, 8 का गुणा 8 में करते हैं, 8 गुणे 8 कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 में यदि मैं 9 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, 8 गुणे 8 प्लस का 9 कर दिया। सेम इस पे भी देख लो क्या होगा, इस पे कर लो 9 गुणे 9 प्लस का, इसमें देखो एक बढ़ा के ऐड किया गया ना, इस पे भी एक बढ़ा के ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 9 9 81 10 91, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस एल ओ डब्ल्यू, एस का संबंध यू से देख लो, फिर इसका संबंध डब्ल्यू से देख लो, ठीक है, फिर इसका संबंध वाई से देख लो। क्या कह रहे हैं, एस का कोड होता है 19, यू का कोड होता है 21, डब्ल्यू का कोड होता है 23 और इसका कोड होता है 25। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 19 2 21 21 2 23 23 2 25 25 2 27। अब 27वां अक्षर क्या होता है सर, 26 अक्षर ही होते हैं, जेड जेड के बाद खत्म, अरे जेड के बाद फिर चालू होता है, कहाँ से, ए से। तो स्टार्ट कहाँ से होना है, ए से। आगे देखो, एल का कोड होता है 12, एन का 14, 12 2 14 14, पी का होता है 16 16, हो गया 16 2 18, 18 के बाद क्या आएगा, 20, 20 क्या होता है, टी, तो ए के बाद क्या आना है, टी। तो ए टी का केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर है 4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस पे आपको बताना है कि ये जो फिगर दिख रहा है ये किस में है, ठीक है, किस डायग्राम में ये वाला फिगर है। तो आप लोग जैसे इसका एनालाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखेगा, किस में, फर्स्ट डायग्राम में आपको ये दिख जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर ये वाला डायग्राम, ठीक है, आप इसमें देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और इसको आप लोग क्या करना, अपने मन से सॉल्व करना। क्लियर है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं अब जूम करूँगा थोड़ा से, और देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, जहाँ का ग्रुप सबसे बड़ा हो वहाँ पर फोकस करो। तो सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ का है, एल आई पी, मिल गया एल आई पी, मतलब एल के बाद क्या आना है, आई आना है, आई के बाद क्या आना है, पी आना है, लेकिन पी के बाद क्या आ गया, जस्ट एन, तो पी के बाद क्या आएगा, एन, पी के बाद क्या आ गया, एन, और एन और पी के पहले क्या है, आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई, तो क्या बना जाएगा, आई एन एन आई पी, आई एन एन आई पी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें दिया गया है कि एक फेस्टिवल सेल में अलग अलग कंपनियों की 7 कारें हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, कितनी कारें हैं, 7, तो 7वें के 7 का स्थान बना लो, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे, ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, किधर है, एक काम करता है अभी इसका स्थान मत बनाओ, पहले जो क्वेश्चन कह रहा हो वैसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, किसके बाईं ओर, बी के बाईं ओर, बी का दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, तो ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, यहाँ पर कौन है, ए, ए को बैठा दो। अगली लाइन,
बी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो बी है वो सी के बाईं ओर है, तो हम सी को यहाँ बैठा लें तीसरा स्थान, पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तीसरे पे कौन हो गया, तीसरे पे हो गया बी। आगे देखो यहाँ पर है डी एफ और बी के बीच में, एफ और बी के बीच में, अगर एफ और बी के बीच में है तो एफ को हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ए है, तो एफ कहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, एफ और बी के बीच में कौन है, डी है, तो डी ऐसे हो जाएगा। अगली लाइन यदि हम पढ़ें तो इसमें है सी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, किसके दाईं ओर, जी के, यदि हम जी को यहाँ रख दें तो पहला स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान और चौथा स्थान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे सी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है और एक सिरे पर है, देखो ये एक सिरे पर क्या हो गया, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से ई की स्थिति क्या है, ई कहाँ पर है, अगर ये सबसे किनारे बैठ गया तो ई यहाँ पर बैठेगा, इस किनारे बैठेगा या नहीं बैठेगा, चलो ई का स्थान क्या है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, किधर, बी के बाईं ओर तीसरा, तो बी का बायां पहला, दूसरा और तीसरा है ना, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित पूर्व भाषा में डब्ल्यू ओ आर डी को लिखा जाता है डी एल आई डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी वर्ड को डब्ल्यू ओ आर डी को लिखा जाता है डी एल आई डब्ल्यू, और नाउन को लिखा जाता है एम एल एफ एम, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, एन ओ यू एन को क्या लिखा जाता है, एम एल एफ एम, तो पूछ रहे वर्ब को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो W का विपरीत क्या होता है, D, विपरीत लिखा है, O का विपरीत L, I का विपरीत R, D का विपरीत W, वैसे N का विपरीत M, L का O, U का F, N का M, सेम इसका विपरीत लिखो, V का विपरीत क्या होगा, सर V का होता है E, E का विपरीत क्या होगा, V, E, V का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है, R का क्या होगा, I, और B का क्या होगा, Y, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आकृति का, देखो इसमें क्या है कि बताना है कि अगले स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, देखते हैं, यहाँ पर देखो इस प्रकार का स्टार बना हुआ है, ये जो दो गोले हैं इन्हीं के बीच में ये काला काला भरा हुआ है, ठीक है, मतलब इन्हीं के बीच में क्या हुआ है, रंग भरा हुआ है ब्लैक कलर का, इसमें भी देख लो इन दो के बीच में क्या है, ब्लैक कलर, इन दो के बीच में क्या है, ब्लैक कलर, तो आंसर वही होगा, ठीक है, जिनके बीच में ब्लैक कलर हो तो सब में है, ठीक है, क्या सब में है? अब देखो ये जो ब्लैक कलर है यहाँ के बाद एक को छोड़ दिया है, ध्यान दो, इसको छोड़ दिया और यहाँ पर आ गया है इस, ठीक है, इसमें देख लो, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये एक को छोड़ गया है, इसके बाद यहाँ पर आ गया है, ठीक है, एक अगले स्थान पर आ गया है, ठीक है, सेम ऐसे ही कर लो, ये यहाँ पर है, इस वाले को छोड़ेगा अगले स्थान पर जाएगा, तो अगले स्थान पर गया तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, डी हमें, क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको डिक्शनरी का क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे, तो देखो हमने क्या बताया, जहाँ जहाँ तक सेम मिल जाए वहाँ वहाँ तक हटा दो, यहाँ तक हमें सेम मिल रहा था, यहाँ तक हमने क्या किया, हटा दिया, अब आपको ये बताना है कि सर आर पहले आता है कि ओ पहले आता है, टी एच तो सब में सेम मिल रहा था ना, एक मिनट रुकना मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर से, इसमें दिया गया है कि उस सही विकल्प चयन के जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिन क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश मौजूद होते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, जो कॉमन मिले उसको हटा दो, टी एच टी एच सब में क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है तो टी एच को हम हटा देंगे, हट गया टी एच, टी एच तक क्या कर दिया, हट गया, अब बताओ ओ पहले आता है या आर पहले आता है, सर पहले आता है ओ, इसका मतलब ओ की मीनिंग पहले आएगी, ठीक है, तो ओ की मीनिंग या तो एक नंबर मीनिंग आएगी या तो चार नंबर की मीनिंग पहले आएगी, अब देखो ओ के बाद क्या है, यहाँ पर आर, यहाँ पर क्या है यू, आर पहले आता है कि यू पहले आता है, सर यू पहले आता है, आर आता है, आर आता है ना, सबसे पहले आएगी मीनिंग चार नंबर की, अगेन आएगी मीनिंग एक नंबर की, ठीक है, आंसर वही सही होगा जो कि स्टार्ट होगा चार और एक से, ठीक है, तो इस पर अभी दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें चार और एक से, अब देखो इसके बाद इस पर देखेंगे हम लोग, एक मिनट, अब देखो ये मिल गया ना चार, एक चार नंबर और एक नंबर, हटा दो इनको, अगला देखो
आर की मीनिंग है, आर की मीनिंग है, आर की मीनिंग है। देखो आर ओ आर ओ आर ओ सब में तीनों में कॉमन मिल रहा है, आर ओ आर ओ आर ओ। इसमें ए है, इस पे टी है, इस पे एम है। ए पहले आता है ना तो दो नंबर की मीनिंग पहले आएगी, फिर क्या आता है एम आता है तो पांच नंबर की मीनिंग आएगी, फिर तीन नंबर की मीनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्रम आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर फोर पर। तो अपना ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगी या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो ये मिक्स सीरीज है, घटता बढ़ता क्रम है। देखो तीन के बाद क्या हुआ, छः, तीन त्रिक को नौ, तो 12 दूने 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। तो 48 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पर है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको वो बताना है। देखो पहले 23 है, आपको क्या करना है, 23 पिन में क्या हो गया, क्या है 23 और 63 34, इसमें आपको रिलेशन कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ। अच्छा देखो सबसे बड़ी लाइन कहाँ पर है, डिजिट सबसे बड़ी डिजिट कहाँ पर आई है, यहाँ पे। तो ऐसा करो इन दो को मिला के कुछ ना कुछ बनाओ। तो यदि हम 23 में, इस वाले 23 में दो का गुणा कर दें कितना होगा 46, इस वाले 34 को आधा कर दें तो कितना होगा 17, ऐड करो कितना होगा 5 6 13 की 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 कितना आ गया 63 आ गया ना। सेम प्रोसेस यहाँ लगाओ, 27 2 54, 18 का आधा करो 9, कितना आ गया भाई 63, जोड़ोगे कितना आएगा 63। सेम काम इसमें कर लो, 31 का दो गुना फिर होता है 62, 28 का दो, 28 का आधा कितना होता है 14, तो आंसर कितना होगा 4 2 6 6 1 7 76, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कि एक छायाचित्र की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, एक महिला ने किससे कहा, एक व्यक्ति से, व्यक्ति से क्या कहा, वह तुम्हारे भाई, क्या कहा, वह तुम्हारे भाई, मतलब इस व्यक्ति का, क्या इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, इस व्यक्ति का जो भाई है, इसके जो दादा हैं, दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी, इनका इकलौता पुत्र ये हो जाएगा, इनकी पत्नी कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो बोले छायांकित में प्रदर्शित महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये महिला है ना, ये महिला है तो इसके व्यक्ति, और ये क्या है, ये व्यक्ति है, तो ये महिला कौन है इस व्यक्ति की, इसके पिता और पिता की पत्नी कौन होती है, माँ, ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर है पुरुष, उद्यमी और परोपकारी, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, क्या बनेगा, पुरुष, उद्यमी और परोपकारी, ठीक है। तो ये बताओ कि सभी पुरुष उद्यमी होते हैं क्या, नहीं, क्या सभी उद्यमी पुरुष होते हैं क्या, ऐसा नहीं है। तो मतलब कुछ पुरुष उद्यमी होते हैं और कुछ उद्यमी क्या होते, पुरुष होते हैं, मतलब उद्यमी और पुरुष में कैसा रिलेशन बनेगा ऐसे करके। अगला, कुछ उद्यमी परोपकारी होते हैं, क्या सभी परोपकारी लोग उद्यमी होते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ परोपकारी उद्यमी होते हैं, कुछ उद्यमी क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं, इस प्रकार से इसका बन जाएगा। अब क्या करो, इसका इसका चेक कर लो एक बार, क्या सभी पुरुष परोपकारी होते हैं, नहीं, क्या सभी परोपकारी लोग पुरुष होते हैं, नहीं, मतलब कुछ पुरुष परोपकारी होते हैं, कुछ परोपकारी पुरुष होते हैं, मतलब तीनों में क्या बनेगा कॉमन का, और तीनों में कॉमन के लिए एक ही डायग्राम बनता है, वो कि ये है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है इस पे, यदि घटाना का अर्थ, सॉरी, यदि जोड़ का अर्थ घटाना है, क्या है क्वेश्चन, 79, और भाग का अर्थ क्या, योग है, डिवाइड का साइन लगा, यहाँ योग का साइन लग जाएगा, प्लस का 11, तो इस प्रकार का साइन बना है, उसका मतलब गुणा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखो ऐसे साइन बना है, गुणा 18, जो ऐसे का साइन है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, भाग, तो यहाँ पर ये वाला साइन लगा है, ब्रैकेट है, 18 के बाद क्या है, अच्छा ये वाला साइन लगा है क्या, 18 के बाद यहाँ पर हो जाएगा भाग, 6 भागे 3, प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का 9, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 79 है, प्लस इसको सॉल्व करो, 6 का डिवाइड 3 में करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 का डिवाइड 18 में करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, आएगा ना, तो 11 9 में कितना हो गया 99, और माइनस का कितना है 9,
माइनस का कितना है 9, 99 से 9 घटाएंगे कितना है 90, तो 79 में कितना जोड़ दूँ 90, तो कितना आ गया 9, 9 7 16, 169 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। तो फिर अपना जो रीजनिंग का पोर्शन हो गया वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ी देर वेट कर लीजिए और हम लोग अब करने वाले हैं यहाँ से मैथ का सेट, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और 8 बजे से आप लोग फिर से अगेन मेरे साथ जुड़िएगा, किसके लिए, मैथ के लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, और देखते हैं थोड़ी देर बाद, क्लियर है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई भी चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर कमेंट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, आज ही मैं कह रहा हूँ, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है।